हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल लॉजिकल फैंटेसी ट्रिक। गाइस, आज जो मैच होने वाला है ये होने वाला है जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान का। कुछ भी सॉरी गाइस, ये सेकेंड T20 मैच होने वाला है जिम्बाब्वे और बांग्लादेश का। एज जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पज से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वो क्लिप लगाने के लिए, आप लोगों का मूड बनाने के लिए मैंने ऐसा किया। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। अब गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ए टू जेड चीजें कि क्या स्ट्रैटेजी होगा आज के ग्रैंड लीग टीम का, सब कुछ बताने वाला हूँ। साथ में वो जो पांच पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ, वो पांचों पॉइंट भी बताने वाला हूँ। बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूंगा इस वीडियो को, मतलब समय में ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मैं आपको बिना किसी देरी के चलिए पांचों पॉइंट बताते चलता हूं। लेकिन उससे पहले गाइस, जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके से वीडियोज बना के लेते आता रहता हूं जो आपके लिए बहुत हेल्प करता है आपको टीम क्रिएट करने में। गाइस, आप बेटर एक्सपीरियंस के लिए वीडियो को 1.5x पे भी देख सकते हैं, जिससे आप कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात अगर करें तो सेम पिच पे ये मैच होने वाला है, 4:30 पे ये मैच खेला जाएगा। अब सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है आज के स्ट्रेटजी में कि ये जो पिच है ना, जैसा मैंने पिछले मैच में आप लोगों को बताया था कि ये पिच बैटिंग फ्रेंडली पिच है, जहां पर आपको अच्छे स्कोर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। बांग्लादेश के स्टार प्लेयर्स नहीं होने की वजह से आपने देखा भी, पिछला मैच जिम्बाब्वे की टीम ने मतलब विन कर लिया। पिछले मैच को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पिच बैटिंग फ्रेंडली पिच है। यहां पर सर को हेल्प मिलता है, फर्स्ट इनिंग में बॉल जो है बल्ले पर आसानी से आता है और बैट्समैन को यहां पर मतलब बैट्समैन के लिए खेलना इजी हो जाता है। दैट्स व्हाई जिम्बाब्वे की टीम ने अच्छा खासा स्कोर किया, जिसे बांग्लादेश चेज नहीं कर पाई। इस मैच में भी आप बैटिंग फ्रेंडली पिच मानकर ही अपना टीम क्रिएट करें और जो अच्छे स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर हों उन्हें अपनी टीम में रखने की कोशिश जरूर करें। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट अगर बताऊं तो ये फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बैटिंग करने आए उसके टॉप ऑर्डर को अपनी टीम में जरूर रखें, सेकेंड इनिंग में जो बैटिंग करने आएगी उसके मिडिल ऑर्डर को अपनी टीम में रखकर आपको अपना टीम क्रिएट करना है। अब गाइस, अगर लास्ट मैच को एक झलक में अगर देखेंगे तो यहां पर जिम्बाब्वे ने स्कोर बनाया था 205 रन का सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर, वहीं पर बांग्लादेश को 6 विकेट गिराने पड़ गए और सिर्फ 188 मतलब रन का स्कोर ही बना पाई, वो चेज नहीं कर पाई पूरे 20 ओवर खेलने के बाद। अच्छा, टॉप रन स्कोरर में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे सिकंदर रजा 65 रन बनाया, उसके बाद माधवेरे 67, उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान ने 2 विकेट लिए। वहीं पर अगर देखेंगे तो दूसरी टीम से नूरुल हसन है, लिट्टॉन दास है, शांटो है, शांटो ने भी 37 रन बनाए, नूरुल हसन 42 एंड यहां पर एल जोंगवे जो है 2 विकेट लिए। तो ये रहा कुछ पिछले मैच का परफॉर्मेंस जो मैंने आपको बताया, इससे थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लगा। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूं। तीसरा पॉइंट ये है गाइस कि जो भी टीम टॉस जीतेगी ना, वो पहले बैटिंग करने का फैसला लेती है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करना इजी हो जाता है। और मेरा प्रेडिक्शन आज के मैच के लिए ये है कि आज आपको बांग्लादेश टॉस जीतेगी और बैटिंग वही करेगी। वहीं पर अगले पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट, जिसमें मैं आपको CNBC बताता चलता हूं। गाइस, आज के मैच में बांग्लादेश पहले अगर बैटिंग करे तो आप जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर को वाइस कैप्टन बनाएं और बांग्लादेश के बैट्समैन को कैप्टन बनाएं, और अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग करे तो आप बांग्लादेश के बैट्समैन को वाइस कैप्टन बनाएं और जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर को कैप्टन बनाकर अपना टीम क्रिएट करें, जो बहुत ही इफेक्टिव होने वाला आज के मैच के लिए और बहुत ही यूनिक सुपीरियर होने वाला आज के मैच के लिए। इस लाइन को पॉइंट आउट करके चलिएगा। अगला पॉइंट मैं आपको आपके साथ शेयर अगर करूं तो वो है पूरे मैच का दारोमदार जिस पे होता है, पूरे मैच का आधार जिस पे होता है, यानी स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं आपको स्ट्रक्चर बताने के बाद बता दूंगा। उन लोगों के लिए ये मैं बताता हूं जिनको नहीं पता होता कि स्ट्रक्चर होता क्या है। तो देखो गाइस, अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है तो आपको स्ट्रक्चर जो लेके चलना है, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, 2-3-3-3-3 के स्ट्रक्चर पे लेके चलना है, 2-3-3-3 के स्ट्रक्चर के पे अपना टीम क्रिएट करें। और वहीं पर अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग करेगी तो आपको अपना टीम जो क्रिएट करना है वो करना है 1-3-3-4 के स्ट्रक्चर पे। ये स्ट्रक्चर होता क्या है ये मैं आपको अब बता देता हूं। स्ट्रक्चर जिन लोगों को पता है वो अब आप यहां से सीधे मूव करके प्लेइंग 11 में चल सकते हैं, जहां मैं सारे प्लेयर्स के बारे में आपको बताऊंगा। बट जिन लोगों को नहीं पता स्ट्रक्चर होता क्या है वो मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूं। देखो गाइस, ये स्ट्रक्चर है 2-3-3 का, तो यहां पर इसका मतलब है 2 प्लेयर आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से लेना है, 3 प्लेयर आपको बैटिंग के सेक्शन से लेना है, 3 प्लेयर आपको ऑलराउंडर के सेक्शन से लेना है और 3 प्लेयर आपको बॉलिंग वाले सेक्शन से लेना है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे खेलते हैं आपने देखा होगा वहां 4 सेक्शन होता है, विकेट कीपिंग का, बैटिंग का, ऑलराउंडर का और बॉलर का, वो होता है ये स्ट्रक्चर। अब ये 2 प्लेयर जो विकेट कीपिंग से होंगे वो कौन होंगे वो मैं आपको प्लेइंग 11 में क्लियर करता हूं। ये जो 3 चुकी
love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it. दोस्तों अब आ चुके हैं हम उस सेक्शन में जो सेक्शन आप लोगों का बहुत ही फेवरेबल हुआ करता है यानी प्लेइंग 11 और यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले जिम्बाब्वे के प्लेइंग 11 की। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले जो प्लेयर है विकेट कीपिंग सेक्शन से रेजिस चकाबवा है। ये एक ऐसे प्लेयर है जो इंपैक्टफुल प्लेयर है जिन्होंने T20 के 31 मैच खेल रखा है और 15 के एवरेज से उन्होंने स्कोर कर रखा है। इस मैच में अगर इनकी सेकेंड इनिंग में बैटिंग आती है तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये इनिशियल ओवर में बैटिंग पिच पर जहां बॉल मतलब स्विंग करता है वहां पर हमेशा ही स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। सेकेंड इनिंग की बैटिंग में इनके परफॉर्मेंस काफी शानदार होते हैं, इंपैक्ट वाले प्लेयर हैं तो कभी भी आपको लंबी पारी खेलकर दे सकते हैं। वहीं पर अगले प्लेयर की बात करते हैं क्रेज एर्विन है। ये गाइज एर्विन टैलेंटेड बैट्समैन है जिन्होंने T20 के 38 मैचेस में 25 के एवरेज से स्कोर कर रखा है। इस टीम के अगेंस्ट भी इन्होंने 5 मैच में 16 के एवरेज से स्कोर किया हुआ है। लास्ट मैच में भी ये बहुत अच्छे टच में दिखाई दे रहे थे लेकिन बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। वैसे प्लेयर तो काफी शानदार है ये, अगर फर्स्ट इनिंग में इनकी बैटिंग आएगी तो ये आपको अच्छा करके दे सकते हैं। वहीं पर अगले प्लेयर की बात करते हैं वेस्ली माधवेरे हैं। ये एक टैलेंटेड बैट्समैन है जिनके बारे में मैंने पिछले मैच में भी कहा था, लास्ट मैच में प्रेडिक्ट किया था कि ये आपको अच्छा स्कोर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। T20 के इन्होंने 26 मैचेस 25 के एवरेज से स्कोर कर रखा है। इनकी अगर हम बात करें तो ये विकेट टेकिंग नेचर के तो बॉलर नहीं है इसीलिए टीम इनसे कभी-कभी बॉलिंग देती है। इस मैच में आप इन्हें जो है अपने ग्रैंड लीग की टीम में मतलब छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं क्योंकि ये उतने कंसिस्ट नहीं रहते हैं जो हर मैच में आपको परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे दे। वहीं पर अगले प्लेयर की बात कर लेते हैं यहां पर गाइस सीन विलियम्स T20 फॉर्मेट के बहुत ही टेक्निकल बैट्समैन जिन्होंने T20 के 55 मैचेस में 25 के एवरेज से स्कोर कर रखा है, 36 विकेट भी इन्होंने लिया है। इस मैच में ऑलराउंडर वाले सेक्शन से ये प्लेयर आपको एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर टीम जो है इन पर पूरा भरोसा करती है और ये अपने कोटे का 2-3 ओवर की बॉलिंग कराते ही है। भले ही लास्ट मैच में सिर्फ 2 विकेट लेकर आए हैं ये, लेकिन इस मैच में ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स जनरेट करते हुए नजर आएंगे और सिंपली वो जब पॉइंट ज्यादा देंगे तो ड्रीम टीम में इजिली रह जाएंगे। वहीं अगर बात करें गाइस सिकंदर रजा की, एक हार्ड हिटर बैट्समैन है जिनका T20 रिकॉर्ड को अगर आप देखेंगे तो ये T20 में इन्होंने 47 मैचेस में 13 के एवरेज से स्कोर कर रखा है और इन्होंने 19 विकेट भी लिया हुआ है, लेकिन रिसेंटली ये बहुत ही अच्छे टच में है। लास्ट मैच में भी आपने देखा ही है कितना अच्छा स्कोर किया इन्होंने, मैन ऑफ द मैच भी रहा है ये। सो आज के मैच में भी ये प्लेयर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये आपकी टीम में मतलब होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। वहीं पर अगले प्लेयर की बात करते हैं रियान बर्ल है, बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्कोर करते हुए दिखाई देंगे। T20 फॉर्मेट के 36 मैच में 29 के एवरेज से स्कोर किया है इन्होंने। इनकी अगर बात करें तो 21 विकेट भी इन्होंने लिया हुआ है अपने करियर में T20 के। भले ही लास्ट मैच में ये 0 पर आउट हो गए और टीम इनसे जो है बॉलिंग मतलब नहीं करवाती है, लेकिन इस मैच में ये आपके ग्रैंड लीग टीम में बहुत अच्छे पिक साबित हो सकते हैं। अगले प्लेयर है यहाँ पर मिल्टन शंबा, ये एक एवरेज प्लेयर ही है जिनकी बैटिंग काफी नीचे आती है और जो बॉलिंग भी नहीं करते हैं। इस मैच में आप अपनी टीम से इन्हें इजिली ड्रॉप भी करके चल सकते हैं। अगले खिलाड़ी की बात करते हैं ल्यूक जोंगवे, ये विकेट टेकिंग नेचर के बॉलर है जिन्होंने T20 के 27 मैचेस में 38 विकेट ले रखा है और अगर इनकी बैटिंग आती है तो ये आपको कुछ ना कुछ स्कोर तो कर ही देते हैं। और यहां पर कुछ ना कुछ स्कोर का मतलब है कि दोनों मतलब साइड से बॉलिंग और बैटिंग दोनों से पॉइंट देना, मतलब जितनी देर ये खेलते हैं अच्छा खासा आपको स्कोर करके देते हैं क्योंकि 27 मैच में 18 का एवरेज भी है इनका। लास्ट मैच की अगर बात करें तो लास्ट मैच में भी अपने स्पेल का पूरा ओवर की बॉलिंग कराए हैं, 2 विकेट भी इन्होंने लिया है। इस मैच में बॉलिंग वाले सेक्शन से आज के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, खास करके जब इनकी सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आए तब। नेक्स्ट प्लेयर यहां पर गाइस वेलिंगटन मस्काज़ा है, ये एक ऐसे खिलाड़ी है जो विकेट टेकिंग नेचर के बॉलर हैं जिन्होंने T20 के 33 मैच में 30 विकेट लिया हुआ है। इस टीम के अगेंस्ट अगर बात करें तो इन्होंने 5 मैच में 6 विकेट ले रखा है, लास्ट मैच में भी इन्होंने 1 विकेट लिया। इस मैच में अगर इनकी फर्स्ट इनिंग में यानी बांग्लादेश की फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो आप अपनी टीम में इन्हें जरूर ट्राई करके चले। वहीं पर अगले खिलाड़ी की बात करते हैं यहां पर गाइस रिचार्ड गैरावा है, एक एवरेज बॉलर है जिन्होंने T20 के 21 मैच में 20 विकेट ले रखा है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब टीम प्रेशर में होती है तब इन्हें विकेट मिल पाता है, टीम इन पर भरोसा दिखाती है, ये अपने स्पेल का पूरा ओवर बॉलिंग भी कराते हैं। लास्ट मैच में भी इन्होंने अपने स्पेल का पूरा ओवर बॉलिंग कराए थे और ऐसे बॉलर जिनका इकोनॉमी खराब हो लेकिन फिर भी वो अपने स्पेल का पूरा ओवर बॉलिंग कराए उन्हें विकेट लेने के हाई चांसेस होते हैं क्योंकि उन जैसे बॉलर को बैट्समैन जो है वो हिट करने की कोशिश करते हैं। इस मैच में
ग्रैंड लीग के लिए ये एक अच्छे पिक हो सकते हैं, अगर इनकी फर्स्ट इनिंग में यानी बांग्लादेश फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग करती है उस सिनेरियो में इनको जरूर पिक करके चले। आखिरी प्लेयर की बात करें यहां पर, लेकिन ट्रूली आखिरी नहीं, क्योंकि गाइस ये जो प्लेयर्स होते हैं ये मोस्ट प्रोबेबल होते हैं, इसमें टीम कुछ भी चेंजेस कर सकती है। अगर एक भी चेंज होता है तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर मेंशन कर देता हूं, टेलीग्राम पे लाइव बताता हूं कि जो भी चेंज हो, सपोज मैंने 11 प्लेयर के बारे में आपको बताया इसमें एक चेंज होता है तो वो जो चेंज होगा उस प्लेयर को आपको लेना है या नहीं लेना है वो मैं आपको टेलीग्राम पे लाइव अपडेट करता हूँ, साथ में प्लेइंग 11 लाइव देता हूँ, उसके बाद टॉस अपडेट, बहुत सारी चीजें हैं, फ्री में एक टीम भी प्रोवाइड आपको किया जाता है वहां पे और साथ में CNBC के साथ। तो ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिंड कॉमेंट में लिंक है, क्लिक करिए और सीधे टेलीग्राम में पहुंचे जहां आपको बहुत कुछ अपडेट मिलने वाला है। तनाका शिवांगा है गाइज, उतने विकेट टेकिंग नेचर के बॉलर तो नहीं माने जाते हैं, लास्ट मैच में भी इन्होंने मतलब 3 ओवर की बॉलिंग कराए थे लेकिन काफी रन लुटाए इन्होंने इस मैच में, हाई चांसेस है कि ये आपको खेलते हुए नहीं दिखाई दे, फिर भी अगर खेलते हैं तब भी ये इंपॉर्टेंट पिक नहीं बनते हैं, इनकी जगह बांग्लादेश के बॉलर को अपनी टीम में प्रेफर करके चले। जैसा कि मैंने आपको बताया अगर ये नहीं खेलेंगे तो कोई दूसरे आएंगे और वो जो दूसरा आएंगे उनको लेना है या नहीं लेना है कहां अपडेट करेंगे, टेलीग्राम पे रिमाइंडर दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में भी लिंक है, जाइए जुड़ जाइए। यहाँ पर ओपोनेंट टीम के प्लेइंग 11 में यानी बांग्लादेश के प्लेइंग 11 में और यहाँ पर हम बात करेंगे बांग्लादेश के सारे प्लेयर के बारे में, तो बिना किसी देरी के चलिए मैं सबसे पहले प्लेयर के बारे में बताऊं जो कि है एम शहरयार। अब गाइस मुनीम शहरयार, जितनी अच्छी इनकी स्माइल है उतना अच्छा ये टैलेंटेड प्लेयर भी है, मतलब टैलेंटेड बैट्समैन है, जो उतने कंसिस्टेंट प्लेयर तो नहीं है लेकिन फिर भी ओपनिंग आते हैं और बैटिंग पिच पर कभी कभी आपको अच्छा खासा स्कोर करके भी दे देते हैं। इस मैच में अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करने आती है तो ये ग्रैंड लीग के अच्छे पिक बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ये पिच ऐसा है कि यहाँ एक एवरेज प्लेयर भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे सकता है। वहीं पर अगले प्लेयर की बात करते हैं, लिट्टन दास है, एक हार्ड हिटर बैट्समैन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको T20 फॉर्मेट में अच्छा खासा स्कोर करके देते हैं। ये आपको T20 फॉर्मेट के 48 मैचेस में 20 के एवरेज स्कोर किए हुए हैं। इस मैच में इस टीम के अगेंस्ट जो है इन्होंने 6 मैच खेला है, 48 के एवरेज से स्कोर किया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा एवरेज होता है। इस मैच में विकेट कीपर वाले सेक्शन से ये प्लेयर आपकी टीम में इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। अगले खिलाड़ी है यहाँ पर गाइस नजमुल हुसैन सैंटो, ये एक ऐसे प्लेयर है जो T20 फॉर्मेट के एक एवरेज प्लेयर ही है, जिन्होंने T20 के 6 मैच में 12 के एवरेज से स्कोर कर रखा है लेकिन रिसेंटली ये मतलब के बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आएंगे, लास्ट मैच में भी इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था। इस मैच में आप इनकी जगह पर बैटिंग वाले सेक्शन से आफिफ हुसैन को ट्राई कर सकते हैं। वहीं पर अगले प्लेयर की बात करते हैं, अनामुल हक है, इंपैक्ट वाले प्लेयर हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम T20 फॉर्मेट में आपको अच्छा खासा स्कोर करके देते हैं। इनकी अगर हम बात करें तो बैटिंग पिच पर इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो जाता है, T20 के 14 मैचेस में 14 मैच में इन्होंने 31 के एवरेज से स्कोर कर रखा है। इनकी अगर बात करें तो इस मैच में बांग्लादेश की अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो आपकी टीम में इंपॉर्टेंट प्लेयर ये बन जाते हैं। अगले खिलाड़ी है यहाँ पर आफिफ हुसैन, ODI फॉर्मेट के बहुत अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, T20 में 41 मैच में सिर्फ 16 के एवरेज से स्कोर किए हुए हैं, तो ODI में बहुत ही अलग लेवल के प्लेयर होंगे बट यहाँ पे अगर आप देखें तो उस तरीके के स्टैट्स नजर नहीं आ रहे हैं। इस टीम के अगेंस्ट अगर बात मैं करूँ जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इनकी, तो इन्होंने 7 मैच में 24 के एवरेज से स्कोर किया हुआ है 24 के एवरेज से, लास्ट मैच में भी ये जल्दी ही आउट हो गए थे लेकिन प्लेयर काफी अच्छे हैं, मतलब कह सकते हैं आप ये कभी भी अपने आप को बैक कर सकते हैं। इस मैच में आप इन्हें अपने ग्रैंड लीग की टीम में जरूर ट्राई करके चलें। अब गाइस प्लेयर का एक नेचर भी होता है, बेसिक नेचर, जो इस प्लेयर का काफी ठीक है। वहीं पर अगले प्लेयर की बात करते हैं, नूरुल हसन, ये एक ऐसे प्लेयर है T20 फॉर्मेट के एक एवरेज प्लेयर ही मानकर चले इनको, जिन्होंने T20 के 30 मैच में 12 के एवरेज से स्कोर किया हुआ है। इस टीम के अगेंस्ट अगर बात करें जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इनके, तो इनकी तो 7 मैच में 39 के एवरेज से स्कोर किया हुआ है इन्होंने, मतलब इनकी जब भी बैटिंग आती है या आपको मतलब इस टीम के अगेंस्ट अच्छा खासा स्कोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन बैटिंग इनका काफी नीचे आ रहा है। आप देख सकते हैं अगर बांग्लादेश फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है तो आप अपनी टीम में इन्हें ड्रॉप भी करके चल सकते हैं, अदरवाइज आप इन्हें देख सकते हैं अगर मल्टीपल टीम क्रिएट कर रहे हैं तो।
वहीं पर अगले खिलाड़ी है गाइस यहाँ पर मुसद्दक हुसैन, ये भी आपको एक एवरेज बैट्समैन ही है जिन्होंने T20 के 16 मैच में सिर्फ 20 का एवरेज स्कोर कर रखा है और 5 विकेट भी लिए हुआ है इन्होंने। लास्ट मैच में इनकी अगर मैं बात करूँ तो टीम इन पर भरोसा दिखाते हुए 3 ओवर की बॉलिंग दी थी इनको, लेकिन इन्होंने सिर्फ 1 विकेट लिया। इस मैच में आप इनकी जगह पर बांग्लादेश के एक बॉलर को ट्राई करके चल सकते हैं अपनी टीम में ताकि वो आपके लिए इनसे बेटर ऑप्शन बन सके। अगले खिलाड़ी है यहाँ पर गाइस नसूम अहमद, ये एक ऐसे खिलाड़ी है जो विकेट टेकिंग नेचर के बॉलर माने जाते हैं क्योंकि T20 फॉर्मेट में मतलब कि इन्होंने 26 विकेट लिया हुआ है मतलब 20 मैच में। इनकी अगर बात करें तो इस टीम के अगेंस्ट जिम्बाब्वे के अगेंस्ट दो मैच में ये विकेट नहीं ले पाए, विकेटलेस रहे। इस पिच पर मतलब अगर बात करें तो रिसेंटली जो एक सीरीज हुआ था उसमें इन्होंने अच्छा खासा विकेट लिया था, लेकिन अभी जो रिसेंट एक मैच हुआ है उसमें स्पिनर को थोड़ा भी मतलब हेल्प नहीं मिला है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे पिच पर विकेट ले लेते हैं जिस पिच पर स्पिनर को थोड़ा बहुत हेल्प मिलता हो। बांग्लादेश अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने आती है तो आप इन्हें अपनी टीम में जरूर ट्राई करके चले। अगले खिलाड़ी की बात करते हैं, तस्कीन अहमद है। तस्कीन अहमद विकेट टेकिंग नेचर के बॉलर हैं जिन्होंने T20 में 34 मैच में 23 विकेट ले रखा है। अगर इस मैच में आपको इन प्लेयर के बारे में आप बताऊं तो अगर इनकी फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो आप अपनी टीम में इन्हें ट्राई करके चल सकते हैं। अगले खिलाड़ी है यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान, विकेट टेकिंग नेचर के बॉलर माने जाते हैं जो रिसेंटली अगर देखे गए तो जनरली जो है ये डेथ में भी मतलब बॉलिंग कराते हैं, टीम इनसे बॉलिंग करवाती है डेथ में। T20 के इन्होंने 63 मैचेस में 87 विकेट ले रखे हैं, लास्ट मैच में भी ये 2 विकेट लिए थे। इस मैच में अगर बांग्लादेश सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी तो आपके लिए ये प्लेयर इस मैच में भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे आप जब इनकी जो है सेकेंड इनिंग में बॉलिंग हो तब मतलब कि ज्यादा कोशिश करें ट्राई करने की। वहीं पर अगले खिलाड़ी की बात करते हैं, शरीफुल इस्लाम है गाइस, ये विकेट टेकिंग नेचर के बॉलर माने जाते हैं जो डेथ में बॉलिंग तो कराते ही हैं, डेथ के स्पेशलिस्ट बॉलर माने जाते हैं। ये बांग्लादेश के काफी मतलब टैलेंटेड बॉलर में से एक है जिन्होंने T20 का 19 मैच में 25 विकेट ले रखा है। इस टीम के अगेंस्ट मैं बात अगर करूं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तो इन्होंने 3 मैच में 6 विकेट ले रखे हैं, भले ही लास्ट मैच में ये विकेट नहीं ले पाए लेकिन विकेट टेकिंग नेचर के बॉलर हैं, ये याद रखिएगा। इनकी जब फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आए तो आप अपनी टीम में इन्हें जरूर बैक करें, ये कभी भी आपको विकेट लेते हुए नजर आ सकते हैं और अच्छा खासा विकेट लेते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बांग्लादेश का प्लेइंग 11 भी बहुत क्लैरिफिकेशन दिया होगा कि कैसे आपको आज के टीम में किसे प्रेफर करना है, किसे ड्रॉप करके चलना है। अगर यहां तक वीडियो को आप देखते आए हैं तो एक लाइक जरूर करके जाना। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Bye-bye. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's